नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। आज आप लोग सोच रहे हो बाप रे इतना अच्छे से वेलकम कर रही है, ये क्या बात है। नहीं तो वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी ऐसे करके मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को हमेशा से। और मेरा बेड थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा काम कर रही थी ये वाला मेरा वाइट बोर्ड। एंड सच में आज कुछ एक बात है, बहुत ज़्यादा स्पेशल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी थोड़ा फ़िलहाल बाहर जाना है मुझे, वहाँ पे काम है, थोड़ा सा वो करके आती हूँ, देन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी वो सब चीज़। एंड थोड़ा सा बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए। एंड वो बात आज प्लीज़ आप लोग सुन के जाइएगा। एंड आई नो जितना मैं खुश हूँ ना, आप लोग भी उतना ही खुश होंगे, ये मेरा गारंटी है आप लोग, क्योंकि आप लोग भी मेरे से प्यार करते हो ना, तो मेरा खुशी भी आपको खुशी देगा, ये मुझे पता है। सब बने रहिएगा और सुन, आज का वीडियो ना मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि लास्ट तक सुनो या फिर कुछ, मैं कभी नहीं बोलती। या फिर लोग जैसे बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैं लास्ट में बोलती हूँ। कुछ लोग तो लास्ट तक देखते भी नहीं शायद, तो फर्स्ट में बोल देते हैं कि सब्सक्राइब करो, नया है तो बेल आइकन को वो करो, क्लिक करो, तो मैं वो सब भी नहीं बोलती। मैं कभी कभी आप लोगों को जब बोलती हूँ, कुछ रीज़न होता है तभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा रुक जाना, आप लोग देख लेना ये सब, ये आज का वीडियो शेयर करना, मैं बोलती हूँ तब। तो मैं आज का वीडियो रिक्वेस्ट करूँगी लास्ट तक देखना। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना इंस्टा आईडी लिख दिया है S.Chakravarty71, यहाँ पे जाके आप फॉलो करो मुझे, ठीक है, फॉलो करो, ठीक है। सो आज थोड़ा सा नया स्टाइल में मैं कर रही हूँ, सो फॉलो करो। और ये थोड़ा सा मैं कुछ बना रही थी तो ये सब है। सो एनीवेज फॉलो मी ऑन इंस्टा। दोस्तों नहाना मेरा हो चुका है, नहा धो के मैं रेडी हूँ, बैग आ गया मेरे कंधे पे, अभी थोड़ा सा निकलना है फिर मैं आऊँगी घर पे। अभी फ़िलहाल मम्मी ब्रेकफास्ट दे रही है, ब्रेकफास्ट खा के ब्रेकफास्ट में आप लोग देख सकते हो दो रोटी और थोड़ा सा भाजी, तो अभी दो रोटी सब्जी खा के भागना है मुझे। अभी मैं निकलने वाली हूँ, पता नहीं कैमरा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, और सूरज का किरणें बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो अभी थोड़ा सा मैं निकल रही हूँ। निकलने के बाद थोड़ा सा काम है वो करके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। मैंने इसको अमेजन से इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है अंदर में, मुझे ख्याल भी नहीं है, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे ख्याल नहीं रहता किसको ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, क्या नहीं ऑर्डर दिया। अभी खोलने के बाद ही पता चलेगा, बिना खोल के तो पता नहीं चलेगा। अभी मेरे बेटी को मैंने बताया, भाई खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो भाई, इसको क्या है, कौन सा जमाना की चीज है, ये दिवाली का है न क्या चीज का है, न खाने का है न पीने का है न क्या चीज का है। हाँ खोल रहा है अभी, मतलब शर्ट को मत छींगो, शर्ट हो सकता है मेरा आइडिया से। बाबा क्या ऑर्डर देते, बाबा खुद को ही पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ सबको, मेरा नाम भी भूल जाता हूँ, खुद का मेरा नाम क्या है तो बोल देता है, नाम भी भूल जाते। देखो आपका नाम ये है, ये क्या चीज दिया है भाई, पता नहीं, आप ही ने दिया होगा ये, हाँ ये क्या चीज दिया है, ये मेरा, अरे बाप रे बाप, देखो भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये देखो देखो, हाँ ये अभी प्रॉपर आ रहा है, ये देखो भाई, ये खोल के दिखाते हैं, जय हिंद, हमने जय हिंद जय भारत, हम सोल्जर का, मतलब ये क्या सैनिक का है, ये देखो सैनिक का है, देखो भारत का, जय हिंद, गोली चलाऊंगा शत्रु का अगेंस्ट में, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे उम्र हुआ तो क्या हुआ, मैं गोली चला दूंगा, मैं एनसीसी कैडेट किया हुआ हूँ, मुझे पता है, ये देखो, जय हिंद जय भारत, ओके। दोस्तों वो घर ही आ चुका है आप लोगों के साथ शेयर करने का वो चीज, वो खूबसूरत चीज, नाक से थोड़ा सा वो हो जाता है मेरा प्रॉब्लम, एनीवे जो बात है वो बोलना ज़रूरी है अभी। सो जॉनी लीवर की, जॉनी लीवर सर की जो बेटी है जैमी लीवर मैम, तो कोविड के टाइम पे वो मैंने वीडियो देखा, वीडियो आप लोग अगर मैंने एक वीडियो दिया था, आप लोग शायद देखे होंगे, जो नए हैं वो लोग देख लीजिएगा, जैमी लीवर के साथ वो जो कॉन्वर्सेशन
था वो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, लेकिन स्क्रीनशॉट था। तो कोविड के टाइम पे मैम आई थी इंस्टा लाइव में, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा, फिर लास्ट मेरा बारी था तो वो सडनली एक हो गया था। सो मैम के साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत मैं जो लोग नहीं जानते हो इसलिए मैं वो स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ अभी। तो कोविड का टाइम था, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, सो मैंने सोचा था कि मैम एक बार एक्सेप्ट करे। तो लास्ट में मैंने मेरा नंबर आया, कोविड कोविड के टाइम पे सब तो घर पे ही थे, तो हम लोग बातें किया, फिर मिमिक्री किए। ठीक है, काश वो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर पाती, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और कुछ मेरे दोस्तों ने भी स्क्रीनशॉट लिया था उस चीज़ का। सो वो जो चीज़ था ना, इतने बड़े हस्ती ने और मेरे को बहुत सिखा के गए गए जैमी लीवर मैम, क्योंकि इतना बड़ा वो जैमी लीवर और एकदम मतलब मिट्टी का इंसान जो बोलते हैं ना, मिट्टी का इंसान। तो आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मैम, आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, यही दुआ हम मैं करूँगी। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आप अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, भारती मैम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप दोनों। सो आज आपका बर्थडे है, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टा पे जो एस चक्रवर्ती 71 यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे। और मैंने दिया था मैम को, टैग कर किया था वो चीज़, और मैम ने मेरा ही नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरा ही मैम ने स्टेटस में दिया था, बिल्कुल नहीं, मैम ने अपने स्टेटस में भी दिया था। तो वो चीज़ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखी हूँ, मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, मैम मतलब इतनी बड़ी इंसान मतलब हस्ती है और ऐसे करके बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है मैम, और मतलब जितना बोलूँ ना उतना मैम के लिए उतना ही कम पड़ता है मेरे हिसाब से, वर्ड बहुत ही कम वर्ड पड़ता है। तो मैम ने अपने इंस्टा पे वो जो मैंने दिया था मैम के लिए, मैम लगाई, तो मुझे बहुत खुशी हुआ वो चीज़ देख के, और बहुत सीखने को मिला मिला कि मैम इतनी बड़ी हस्ती हो के भी इतना मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब कोई घमंड नहीं कुछ नहीं, मतलब जब वो वीडियो कॉल में हम लोग मैम और मैं बात कर रहे थे, एकदम मतलब कुछ घमंड नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये जॉनी लीवर की बेटी है और ऐसे स्टाइल, वो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सा सिंपल से बात कर रही थी। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि आप जैसे मतलब जितना भी आपके पास कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसे इंसान रहो कि सब सबको मैम मतलब वैल्यू देती है, ऐसा नहीं है कि सब मतलब आप वो उनका ना प्रोफाइल अगर चेक करोगे, मैम ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन को वैल्यू करती है, जो उनके मेकअप मैन हो गया, स्पॉट कुछ भी हो गया, मैम बहुत मतलब वैल्यू करती है सब चीज़ का, ऐसा नहीं कि पैसा हो गया और ऐसे मतलब बिहेव करती है, नहीं। मैं क्योंकि मैम के साथ मैंने बात किया है और वो ऑरा मैम का दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, मैं अभी शेयर करूँगी वो वीडियो, देखो। ब्लॉग में ही पेंट करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और जैसे वो ऐसे ही रहिए और दूसरों का हेल्प कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।